हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विदुर, वेलकम टू माय चैनल ट्रेकर फ्रिक। सो आज हम जाने वाले हैं जिस फोर्ट पे, उस फोर्ट का नाम है कालदुर्ग फोर्ट। सो कालदुर्ग फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के पालघर जिले में आता है। पालघर इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू रीच कालदुर्ग फोर्ट। कालदुर्ग फोर्ट ट्रेक की शुरुआत वाघवा टेम्पल से होती है। सो वाघवा टेम्पल तक कैसे आना मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको पालघर जाने वाली कोई भी ट्रेन पकड़नी है। मुंबई से पालघर का सफ़र बारिश के दिनों में काफ़ी सुहाना और अद्भुत होता है। सफ़र के दौरान नदियाँ, झरने, पहाड़ और हरे भरे खेत देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। पालघर पहुँचते ही हमें जाना है अब वाघवा टेम्पल। वाघोबा टेम्पल आप बस से भी जा सकते हो और शेयर टमटम से भी जा सकते हो। बस का फेयर है 10 रुपये और टमटम का फेयर है 15 रुपये। कालदुर्ग फोर्ट ट्रेक की शुरुआत ये हैंडपम्प से होती है, यहाँ से हमको आगे जाने के। वाघोबा टेम्पल के यहाँ काफी सारे बंदर हैं, तो उनके सामने कुछ ना खाए। कालदुर्ग फोर्ट जो है वो बेसिकली पूरा सिंपल ट्रैक है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक पे आ रहे हो, विगनर हो, तो आप ये ट्रैक पे आ सकते हो। और ये काफ़ी क्या बोलते हैं, इसका एंड्योरेंस भी बहुत इजी है। 1 या 1.5 घंटे लगते हैं टॉप पे जाने को। एंड इसका जो रूट है वो पूरा वेल मार्के और पूरा जंगल रूट है। तो अगर बारिश के टाइम यहाँ पे आओगे आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, और गर्मी के टाइम आओगे तो भी आपको छाव मिलेगा। और सिंपल ट्रैक है तो यहाँ पे आ सकते हो। अभी हम लोग समथिंग मीटर ऑफ द ट्रैक है, ऑलमोस्ट 1/2 घंटा हुआ ट्रैक चालू करके। तो आज का जो मौसम है कुछ क्या कह सकते, ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्की हल्की बारिश है, तो मौसम काफ़ी सुहाना है। ठंडी ठंडी फिजाओं का आना जाना है, तो ऐसे मौसम में घर पे बैठने से अच्छा आओ यहाँ पे, पहाड़ पे आओ कभी। और लिटरली यहाँ पे आने के बाद जो आपको फील होगा ना, ऐसा लगेगा आप क्या कहते हैं स्वर्ग में हो। आओ घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, आओ। तो दोस्तों क्या चल रहा है, ध्यान से देखो, किसी ने सही कहा है, फॉग ही चल रहा है। अगर हम जाते हैं किसी ट्रैक पे या नेचुरल प्लेसेस पे, तो उस प्लेस को रून मत कीजिए, उसे बनाए रखिए। कचरा बिचरा सब साथ में लेके जाइए, क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हम नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो इसके लिए यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ कीप द नेचर क्लीन एंड ग्रीन। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कालदुर्ग फोर्ट के टॉप पे। तो कालदुर्ग का एरिया जो है इतना बड़ा तो नहीं है, और अभी हम लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में एक वाटर टैंक है। तो यहाँ पे टोटल 2 वाटर टैंक है, और पानी देख के लगता है पीने लायक बिल्कुल नहीं है।
और ये भी पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ मानसून के टाइम ही पानी रहता है, तो अगर मानसून में नहीं आ रहे हो आप तो पानी लेके आओ, ठीक है। अभी देखते हैं और क्या क्या है। अभी जो खूबसूरती आप अपनी आंखों से देख सकते हो वो दुनिया का कोई भी कैमरा नहीं दिखा सकता, यहाँ तक कि गोप्रो भी नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे आइए और सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो मेरी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। कालदुर्ग फोर्ट अगर आपको आना है तो मानसून में ज़रूर आइए, और एक्चुअली यहाँ पे थोड़े कम क्राउड भी है तो यहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हो। एंड अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस ट्रैक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ट्रेकर फ्रीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।